पाड़ी तो इसी भट्ट पे पाड़ी तो बनती हैं। ऐसा क्या हो गया शर्मिला? अब इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ मेरी बेटी के लिए। ऐसी क्या बात हुई? वो दरअसल बात यह है कि इसका हमारी सिटी के टॉप कॉलेज द सरला में एडमिशन हो गया। क्या बात कर रही हो? कांग्रेचुलेशन आंटी, कांग्रेचुलेशन मुझे दीजिए। कांग्रेचुलेशन अनुष्का बेटा, तुझे बोल रही हूँ। इतने नंबर में मिल गए इसको एडमिशन, तो 70.1 है इसको, मिलना ही चाहिए और मिल भी गया। मेरी श्रेया को भी मिल जाएगा शायद। हाँ देखो ट्राई करके, वैसे पॉसिबिलिटीज कम है। प्रिंसिपल ने कहा था बहुत कम सीट्स बाकी है, तो जल्दी जल्दी जाओ और चेक करो। नहीं नहीं, मेरी श्रेया को मिल ही जाएगा। शशिबेन आपका हो गया विकास का एडमिशन? नहीं ना, अभी तक देख रहे। आपको तो क्या कोई भी चल जाएगा कॉलेज ने? विकास के नंबर इतने कम है, जो भी कॉलेज मिल जाए वही आपके लिए बेस्ट। सॉरी शर्मिला ने ऐसा बोला, मेरी हंसी फूट गई। शर्मिला ऐसे बात नहीं करना चाहिए था तुमको। शशि बहन जो बात सच है वही मैंने कहा, आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया है। शर्मिला बहन शर्म करो, आप मेरे बेटे के ऊपर हंस रही हो। ठीक है पता है मुझे उसको कम नंबर मिले, उसका ऐसा मजाक उड़ाना चाहिए? आपके बेटे ने कौन से झंडे गाड़े? गाड़े ही है मेरी बेटी ने झंडे, पूरी सोसाइटी में उसका सेकंड रैंक है। वो भी फर्स्ट होता, बस एक पॉइंट से इधर उधर हुक गया। कॉपी कर करके सब पता है मुझे। कुछ भी हो, मेरी बेटी ने सेकंड रैंक लाया ना, कॉपी करके लाया, कैसे लाया कैसे लाया, कुछ भी हो, आपके बेटे ने तो वो भी नहीं लाया। शर्मिला बहन आपने बहुत गलत जगह पे हाथ डाला है, है? देख लेना मैं मेरे बेटे का एडमिशन उसी कॉलेज में करूंगी। नाम क्या? द सरला कॉलेज। सरला देख लेना। और हाँ तुमने मेरे बेटे को ऐसा बोला ना, तुम्हारे बेटे के एडमिशन भी जल्दी नहीं होगा। शशिबेन आपने मेरी बेटी को बद्दुआ दी, दीजिए जितनी देनी है ना उतनी दीजिए, मेरी बेटी को एक भी नहीं लगेगी। इतना बड़ा कवच किया है मैंने मेरी बेटी के लिए, उसको कुछ नहीं होगा। और हाँ वो सरला कॉलेज है ना, उसमें मेरी बेटी का भी एडमिशन होके रहेगा, देख लेना। देखते हैं देखते हैं, अगर मेरे बेटे को एडमिशन नहीं मिला तो मैं सोसाइटी छोड़ के चले जाऊंगी। मैं अलपेली। देखते हैं अगर मेरी बेटी का भी उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो मैं भी सोसाइटी छोड़ के चली जाऊंगी। शर्त 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 क्या तुम शुरू हो गई दोनों फिर से? एडमिशन के लिए कोई सोसाइटी छोड़ता है क्या? सुमित्रा तुम बीच में मत पड़ो, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। हो गया क्या इनका शुरू? सुबह हुई नहीं कि इनकी किचकिच शुरू हो जाती है सोसाइटी में। छोड़ो मुझे क्या है, कोई नई पड़ोसन मिल जाएगी। चल बेटा। माँ कड़तोंडी, जब देखो तब मेरी बेटी के पीछे पड़ जाती है। तुम्हारी बेटी ऐसी तुम्हारी बेटी वैसे, खुद का बेटा देखो ढगुड़ा कुटसा। तेरा पेट ही नहीं भरता ना जब तक झगड़ा नहीं कर देती। देखिए ना ससुमा वो शशि बहन हमारी श्रेया को कुछ नहीं बोलती है। बद्दुआ दी उसने श्रेया को कि उसका एडमिशन जल्दी नहीं होगा ना। क्या शशि आंटी ने ऐसा किया? हाँ बेटा, तू उस विकास के साथ बिल्कुल बात नहीं करेगी, एक नंबर का ढोगुड़ा है वो, तू भी ढोगुड़ी हो जाएगी। सबसे पहले तू अपनी फ्रेंडशिप बंद कर उसके साथ, जब देखो तब चिपकी रहती है। नहीं ससुमा मैंने अब सोच लिया है, मैं उससे फ्रेंडशिप ना बिल्कुल खत्म कर दूंगी, बहुत हो गया। मैंने भी शर्त लगाई है। कैसी शर्त? कि श्रेया का एडमिशन सिटी के टॉप कॉलेज द सरला में करके रहूंगी। शर्मिला तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें पता है द सरला कॉलेज में परसेंटेज लगते हैं 95। सॉरी श्रेया तुम्हारे परसेंटेज अच्छे हैं पर वहाँ पे 95 के आगे ही लगते हैं परसेंटेज। चुप बैठी है वो सुमित्रा की बेटी अनुष्का, 70.1 थे उसको, मिल गया एडमिशन, नाच रही थी बाहर। क्या बात कर रहे हो? हाँ उसने कहा है 70 तक अब उसने घटा दिया है परसेंटेज, हम जाएंगे श्रेया को लेके, हो जाएगा इसका भी एडमिशन। और वो बोल रही है ना इतना शशि बहन, देखते हैं उसके बेटे को तो कितने है पता नहीं, 42-45 कुछ ऐसा है, उसको तो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम जाते हैं आज ही।
मुझे क्या तैयारी करनी है, मैं तैयारी होती हूँ हर बार। तुझे काम ही क्या होता है? ससमा आप जरा चुप बैठिए, आपको तो कहीं नहीं आना होता, दिन भर ये पे बैठ रहती हो। श्रेया चल जल्दी। मम्मी रुको, क्या हुआ? दशहरला कॉलेज का एक टाइम होता है, 9 से 12 बजे के बीच ही हम एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं वहाँ पे जाके, उसके बाद नहीं लेते वो। आज का दिन तो ये सही जाएगा फिर। एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह जाते हैं। ठीक है, कल सुबह जल्दी जाएंगे। ए बहू, ऊपर देख के ऐसा ऐसा क्या कर रही है? वो से शिबेन ऊपर रहती है ना। देख देख, इसी की वजह से मैं बोलती हूँ उसको मैनर्स लेस। लटक मटक के कहा जा रही हो गंगू भाई? ये देख वाचमैन, मैं तुझे बोल रही हूँ, तू मुझे ऐसा टोका मत कर। ये सोसाइटी में आने के लिए मेरी परमिशन चाहिए होती है। तेरी काका की सोसाइटी है? मेरे काका के ऊपर मत जाओ, पहले यहाँ पे साइन करो और फिर अंदर जाओ। करती करती। आओ क्या तय, आइए गंगू भाई। क्या बात है, आज भी लेट? बारिश देखो ना, जैसे ही बाहर निकली कुड़ 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 कुड़। बस करो, ट्रैफिक होता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए ट्रैफिक होता है, बारिश होती है तो सिर्फ तुम्हारे लिए बारिश होती है, हम तो है ही नहीं इस दुनिया में। ताई ऐसी बात नहीं है, मैं जल्दी निकली थी घर से। चुपचाप अंदर आओ, काम पे लग जाओ। बड़ी मालकिन। गंगू बेटा, हाउ आर यू? ए इधर आओ, इधर आओ। बोलिए थे क्या क्या काम करने? पहले झाड़ू मारने का, बर्तन करने का। वैसे तो सच बोलूँ, आज लेट ना उस प्रिंसिपल की वजह से हुआ। कौन सी प्रिंसिपल? दशहरला कॉलेज का प्रिंसिपल। कितना काम देते हैं? तुम उनके घर काम करती हो? हाँ मैं उनके घर भी काम करती। अच्छा, इधर आओ, उधर आओ ना, आओ। आज जल्दी चले जाना हाँ घर, इतना कुछ काम नहीं है। ताई पहले काम तो कर ले, तो फिर जाऊंगी मैं घर। नहीं करो वो काम, पहले मैं ये बोल रही थी। क्या बात है ताई, कुछ इम्पोर्टेंट है? कैसा है वो प्रिंसिपल? बड़ा कठोर आदमी है ताई, इतने बच्चे आते बिल्कुल भी पत्थर दिल जैसा उनको करता है, एडमिशन नहीं देता। कुछ कुछ को तो 94% होते फिर भी एडमिशन नहीं देता। हमारी श्रेया का भी उसी कॉलेज में एडमिशन करना है गंगू भाई, ज़रा उनसे बात करके देखो ना। ताई आप पेरेंट हैं, आपको ही पूछना चाहिए। वैसे नहीं, ऐसा खोज के पूछूँ उनसे। खोज के कैसे पूछते? जैसे कि एडमिशन के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, ऐसा वैसा भी क्या है। वो सुमित्रा अपनी चक्कर मांगने आती है, वही ना, उसके बेटी को 70.1 थे फिर भी एडमिशन मिल गया सरला कॉलेज में। क्या बात कर रही हो, इतने कम में कैसे मिल गया उनको एडमिशन? हाँ पता नहीं कैसे, अभी मुझे तो टेंशन ही आ गया। हाँ ताई, जिनके 95 के आगे हैं ना उनको ही देते, कुछ कुछ बच्चों के तो 94.9 होते फिर भी नहीं मिलते। श्रेया तो बहुत दूर है फिर। छोटे मालकिन को कितने हैं? तुम्हें क्या करना है, ज़रा पूछ के देखो, उनसे बोलना कि ऐसे ऐसी एक लड़की है उसको एडमिशन चाहिए, ज़रा ऊपर ऊपर से पूछ के देखो उनसे, कल मुझे बताना। ठीक है ताई, आपने बोला है तो पूछती हूँ मैं उनसे। और हाँ, ये बात उस चुचुंदर सुमित्रा तक मत पहुँचा देना। नहीं नहीं ताई, क्या बात कर रही हो आप, मैं कितनी ईमानदार हूँ, कभी इधर की बात उधर नहीं करती, बिल्कुल नहीं बताऊँगी सुमित्रा जी को। आप चिंता मत कीजिए, काम करती मैं। मुझे दशहरला में एडमिशन लेके ही रहना है।